गाइस अभी इंस्टाग्राम रील्स में फोटो वाली स्टेटस रील्स वीडियोज काफी ज्यादा वायरल चल रहा है और उसमें से अधिकांश वीडियोज को बनाया गया है कैपकट एप्लीकेशन के टेम्पलेट को यूज करके। अगर आप उसमें से किसी भी रील्स वीडियो की तरह अपना रील्स वीडियो किसी भी एप्लीकेशन को यूज करके बनाओगे तो आपका काफी ज्यादा समय लग जाएगा। वहीं अगर आप कैपकट एप्लीकेशन के टेम्पलेट को यूज करके बनाओगे तो आप वन क्लिक में अपने वीडियोज को बना सकते हो काफी प्रोफेशनल तरीके से। जैसे अभी इंस्टाग्राम रील्स पे काफी सारे लोग इसी ट्रिक को यूज करके अपना रील्स वीडियो बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैपकट के टेम्पलेट को कैसे यूज कर सकते हो और इस वीडियो में मैं आपको कैपकट एप्लीकेशन के सभी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे देखकर आप कैपकट एप्लीकेशन के टेम्पलेट को काफी आसानी से यूज कर सकते हो और अपना वीडियो काफी प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में कैपकट एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे कैपकट एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, वहां से आप कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। गाइस कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपली इसे एक वीपीएन से कनेक्ट करना है और आपको इसे ओपन करना है। अगर आप नहीं जानते हो कि कैपकट एप्लीकेशन को वीपीएन से कैसे कनेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर कैपकट एप्लीकेशन को वीपीएन से कनेक्ट कर सकते हो और यहां से आप नो इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब इसे ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ यहां पे टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने यहां पे काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो काफी सारा यहां पे टेम्पलेट शो हो रहा है और यहां पे आपको ऊपर की साइड मिल जाता है कैटेगरी। यहां पे आप देख सकते हो फॉर यू में सिलेक्ट है। अगर आप इसे करोगे तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे कैटेगरी आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो AI फिल्टर्स का कैटेगरी है, यहाँ पे लैरिक का कैटेगरी है और यहाँ पे वेलोसिटी का कैटेगरी है और भी यहाँ पे आपको काफी सारे कैटेगरी मिल जाते हैं। जो अभी इंस्टाग्राम पे रील्स ट्रेंडिंग में चल रहा है उस रील्स को बनाया जा रहा है इस वेलोसिटी कैटेगरी में के टेम्पलेट को यूज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी कैटेगरी में भी आपको काफी सारे यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो आपको जिस भी कैटेगरी में से टेम्पलेट को यूज करना है सिंपली आपको उस कैटेगरी पे क्लिक करना है। जैसे आप उस कैटेगरी पे क्लिक करोगे आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट शो हो जाएंगे आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, आप जितना यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओगे आपके सामने यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट आते जाएंगे। अगर आप किसी टेम्पलेट को सर्च भी करना चाहते हो तो आपको ऊपर की साइड यहाँ पे मिल जाता है सर्च का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग शो होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंडिंग लिखा हुआ है और नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ टाइटल शो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो एक नंबर पे जो टाइटल है AI गॉसिप गर्ल है, इस टाइटल पे जो टेम्पलेट है उसे अभी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइटल से रिलेटेड यहाँ पे जो टेम्पलेट है वे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर पे यह टेम्पलेट आ गया और इसे यहाँ पे 1.4 मिलियन लोगों ने यूज कर लिया है। अब जैसे आप टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऊपर की साइड कुछ कैटेगरी शो करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ऑल में सिलेक्ट है। अगर आप टेम्पलेट में क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस टाइटल से रिलेटेड टेम्पलेट शो हो जाएंगे। अगर आप साउंड पे क्लिक करोगे तो इस टाइटल से जो भी रिलेटेड यहाँ पे सॉन्ग है वे आपके सामने शो हो जाएंगे। अगर आप ट्यूटोरियल पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे ट्यूटोरियल है वे आपके सामने शो करेंगे। अभी एक भी यहाँ पे ट्यूटोरियल नहीं है तो शो नहीं कर रहा है। अगर हम हैशटैग कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी हैशटैग है वे यहाँ पे शो हो गए हैं। तो यहाँ से इस हैशटैग को कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम रील्स में भी यूज कर सकते हो अगर आप इस टेम्पलेट को यूज करके अपना वीडियो बना रहे हो तो। अब गाइस इसी प्रकार से आपको यहाँ पे और भी टाइटल मिल जाता है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो ट्रेंडिंग टाइटल को। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट में क्लिक रखा है और यहाँ पे ऊपर की साइड आपको तीन कैटेगरी मिल जाता है, एक ऑल का, दूसरा बिजनेस का और तीसरा ट्यूटोरियल का। यहाँ पे जो नीचे मैंने आपको कैटेगरी बताया ये तो टेम्पलेट से रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरी है। ये भी जो आपको ऊपर तीन कैटेगरी मिल जाता है जो ऑल में सिलेक्ट है, अगर आप बिजनेस में सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको वही टेम्पलेट मिलेगा जो बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट के फोटो को यूज करके अपना वीडियो बनाना है तो यहाँ से आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको जो कैटेगरी मिल रहा है ट्यूटोरियल का, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियोज आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी कैटेगरी बाय यहाँ पे वीडियोज आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट में है शूट एंड एडिट टिप्स। इस कैटेगरी में से जिस भी वीडियो को आप देखोगे उस वीडियो में शूटिंग करने का भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा और एडिटिंग का भी प्रोसेस बताया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकटॉक ट्रेंड, तो इसमें यहाँ पे आपको वही वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे जो अभी टेम्पलेट टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे ट्रेंडिंग में चल रहा है उस टेम्पलेट का यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कैपकट एप्लीकेशन के टेम्पलेट ट्यूटोरियल भी देखकर आप खुद यहाँ पे टेम्पलेट बनाना भी सीख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे मैंने कैपकट एप्लीकेशन के टेम्पलेट से रिलेटेड जो भी कैटेगरीज हैं और जो भी यहाँ पे फीचर
टेम्पलेट्स है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है उसे यूज करके अपना वीडियो बनाना चाहते हो तो उसमें आप अपने वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हो और उसमें अपना वीडियो कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट चूज कर लेना है। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है सिंपली आपको उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि चलिए हम यहाँ पे फॉर यू कैटेगरी में से एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज टेम्पलेट का। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यूज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आपका जो गैलरी है वे ओपन हो जाएगा और आपके गैलरी के फोटोज और वीडियो शो होने लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में सिलेक्ट है। अगर आप इस टेम्पलेट में वीडियो एड करना चाहते हो तो सिंपली आपको अपने गैलरी से अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको फोटो एड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है और आपको अपने गैलरी से अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। गाइस जैसे आप फोटो सिलेक्ट करोगे यहाँ पे जो प्रीव्यू का ऑप्शन है वे इनेबल हो जाएगा। कोई कोई ऐसा भी टेम्पलेट होता है जिसमें यहाँ पे दो क्लिप तीन क्लिप दिखाई देता है बट उसमें जैसे आप वन फोटो सिलेक्ट करते हो वो तीनों क्लिप कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसा भी आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा। तो अब सिंपली आपको प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपका जो फोटो है वे इस टेम्पलेट में एड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेम्पलेट में मेरा फोटो एड हो गया है। अब आप जिस भी फोटो को एड किए हो उस फोटो के जगह पे दूसरे फोटो को एड करना चाहते हो तो सिंपली आपको जिस भी फोटो को चेंज करना है उस फोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन शो होगा, एक रिप्लेस का, दूसरा क्रॉप का और तीसरा एडजस्ट का। रिप्लेस पे क्लिक करके आप अपने फोटोज को चेंज कर सकते हो और क्रॉप पे क्लिक करके आप अपने फोटोज को क्रॉप कर सकते हो, यानी आपके फोटोज का यहाँ पे रेशियो कम है तो उसे आप यहाँ पे इंक्रीज करके क्रॉप करके उसका रेशियो आप चेंज कर सकते हो और अपने फोटो को एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप अपने फोटोज में कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं और फिर यहाँ से हम इसे बैक करते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का, इस पे क्लिक करके आप अपने फोटोज पे जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट में ही लिखा हुआ था तो अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। जो यहाँ पे एड नेम का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करके इसे यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ जो भी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सिंपली इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक और टेक्स्ट एड हो जाएगा और इसमें मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा वे मेरे फोटो पे एड हो जाएगा यानी मेरे वीडियो पे। तो इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टेक्स्ट एड कर सकते हो। अब चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं। अब गाइस जो आपका वीडियो है वे बन गया है, अब सिंपली आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो सिंपली आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्वालिटी पे क्लिक करना है और इसका क्वालिटी चेंज कर लेना है। आपको अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टिकटॉक में सिलेक्ट रहेगा। सिंपली आपको ये जो सेव का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना है। यह वीडियो आपके गैलरी में विदाउट वाटरमार्क के सेव हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप काफी आसानी से कैपकट एप्लीकेशन के टेम्पलेट को यूज कर सकते हो और अपना रील्स वीडियो बना सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।